हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मेरे तो शादी के व्लॉग ही मुझे एडिट करने के लिए पड़े हो। मुझे अभी व्लॉग डाले हुए कम से कम कितने दिन हो गए, एक महीने से ऊपर हो गया मुझे व्लॉग डाले हुए, क्योंकि शादी की भागदौड़ में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अभी तक शादी की थकान ही पूरी नहीं हुई और फिर अभी तक कुछ ना कुछ काम आ ही रहा है, तो इसलिए मैं व्लॉग भी मेरे एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज ये वाला व्लॉग भी, मतलब सारे शादी के व्लॉग आ जाएंगे, उसके बाद में ही आएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हमारे देवता के जा रहे हैं हम, अऊध बाबा के। तो हम हमारे भावेश को ढुकाने के लिए जा रहे हैं। हमने हमारे बाबू का नाम रखा है भावेश, तो हम हमारे भावेश को ढुकाने के लिए जा रहे हैं अऊध बाबा के। और हम मम्मी और जो पूनम भाईसा हैं उनको हमने ट्रेन से भेज दिया था, क्योंकि मम्मी को जो फोर व्हीलर में उल्टी होती है, तो इस वजह से हमने उनको भेज दिया था। हम लोग अभी निकले हैं, तो मैं, नव्या, भावेश और ये, हम चारों तो फोर व्हीलर से जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को हमारा जो अऊध बाबा का स्थान है वो भी दिखाएंगे, तो ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा एंड तक में। और ये देखो नव्या, हेलो तो कर दे बेटा, बहुत दिनों बाद ब्लॉग आया आज तो नव्या का। हेलो गाइस, इसको भूख लग रही थी तो ये चिप्स खा रही है, और बाबू को मैंने सीट पे सुला दिया तो ये सो रहा है, इसको नींद आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था ना, तो इसको नींद आ गई। वैसे इसके लिए मैं जिसका बाउंसर है ना, बाउंसर वो ले आती हूँ। मैं अभी जयपुर गई थी ना शादी से पहले शॉपिंग करने के लिए, जब तो इसके लिए बाउंसर लेकर गई थी, उसमें सुला दिया था। अभी इतनी देर के लिए मैंने क्या ही रखूँ, पूरी सीट गिर जाती है, तो सीट पर ही सुला दिया। तो अभी जल्दी भी उठ गया था तो इसलिए कुछ नींद आ रही है इसको। और ये कर रहे हैं ड्राइव, हम लोग जा रहे हैं अब। तो गाइज हम लोग पहुंच गए देवताओं के, और हमने अब की बार आने के लिए ना दूसरा रूट देखा था, क्योंकि फोर व्हीलर से आते हैं ना तो बीच में बहुत सारा भूड़ा पड़ता है, तो वहाँ पे गाड़ी का ना धंसने का वो रहता है। तो हम किसी ने बताया था कि दूसरा रास्ता है तो वो हाईवे है, तो उससे आना, उससे सही पहुँच जाओगे। लेकिन हम लोग पता नहीं जाने कहाँ कहाँ पर पूरे रास्ते में जाने कहाँ कहाँ खो गए, तो मतलब बहुत चक्कर काट कुटा के हम लोग पहुँचे हैं। बच्चे भी घूम जाते हैं, तो हम अभी जस्ट पहुँचे हैं। और देख क्या इसके ना कुछ कचरा चल जाए, मुड़ के हवा चल रही है ऊपर से। ये बाबू को हमने यहाँ पे हमारा बिस्तर लगा के सुला दिया, और ये नव्या, और ये है हमारा देवताओं का स्थान, ये भैरव बाबा का स्थान है इधर, और इधर है हमारे देवताओं का स्थान। और इस हैंडपम्प से वो उस बाल्टी में पानी भर के पहले इस देवताओं के स्थान को धोएंगे पूरा पानी से। और मम्मी इधर बेसांद्र के लिए कंडे जमा रहे हैं, पास में ही घर है तो वहाँ से ले आते हैं। ये देखो ये अपना घर बना कर ही सो गए। तो उसे परेशान मत कर बिल्कुल भी, वहाँ पे वो जलाएंगे। और मम्मी को तो बहुत ज्यादा उल्टी हुई गाड़ी में। तो हम लोग चला रहे हेडपंप, हेडपंप से हम पानी भरते हैं। पहले कभी हमारे गांव में चलाया करते थे हेडपंप, उसके बाद में तो अभी हेडपंप भरते हैं, सब जगह नलों के कनेक्शन हो गए। अच्छी एक्सरसाइज है जब, तो गांव के लोग सीम होते हैं बिल्कुल। पहले देवताओं का स्थान है, उसको पानी भर भर के पूरा साफ करेंगे यहाँ से। ये हमारे अऊध बाबा हैं, उनकी ये मूर्ति है, घोड़े पे सवार हैं, लेकिन जैसे ये हमेशा ये लगाते हैं ना, तो उनसे मतलब जो उनकी पूरी शेप बनी हुई है ना वो छुप गई। बाकी इस पे ना घोड़े पे सवार है ना, घोड़े पे लेकिन ये क्या सिंदूर लगाते हैं ना, तो उससे पूरा छुप गया है। दिख देख दिखा ना, तेरे गाल कितने लाल हो जाते हैं। तेरे
तू क्या करेगी बेटा, पापा को कर लेते जल्दी जल्दी, देख फिर भोग भी लगाएंगे अपन। ये खेजड़ी का पेड़ है। पूरा ही ये पूरा ही चबूतरा धोगे ना। लाओ अपना तो भूख लग गया, बस आग हो गई, भूख लग जाएगा तुरंत, फिर तो खूब आओ पानी, कोई दिक्कत आई। लो इसको भी उल्ली उठा लो यहीं पे, शॉल भी ले आओ ये इसको उड़ाने के लिए। अरे राजा आ गया, राजा आ गया। आग वाले नहीं, थोड़ी और आगे रख ली उगाए गंडों के पास चल गई हो। ये काय का स्थान है? ये जो कुएं है ना, पाताल। अच्छा पाताल भैरव कुएं के हुआ है, कुआ खुदा था ना। अच्छा अच्छा उधर के कुआ खुदा था, उनके रक्षक पाताल भैरव। अब उधर लगाएंगे भैरव बाबा के भोग। जब आया था मुझे ध्यान आसन का तो तीर निकाल दूं क्या? ये से निकाल दूं मैं, इसलिए तो एकदम ठस हो गई मैं। बिना दीपक के आंच आ जाती है यहाँ पे। दे देते हैं हमारे देवता भी दे देते बिना दीपक के हमेशा। ये देखो ये कैसे अंगूठा चूक रहा, देखो ये इसकी दादी सा के भैंस बंधाएगा ये बेटी अंगूठा चूक रही है, बटा लिया। आ रही है बूंदे, नहीं बूंदे आ रही है और तेज आ जाएगी तो बच्चों को लेकर कहाँ भगेंगे साग में समेट के। तो गाइस हम लोगों ने भोग लगा दिया और मौसम इतना भयंकर वाला खराब हो गया कि आप देख सकते हैं कितना भयंकर वाला मौसम है ना, बारिश का हो गया, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। देखो कैसे बिजली कड़क रही है। वो तो हमारा भोग लग गया और अभी तक मतलब बूंदे आना स्टार्ट हो गई है अब, और हमको यहाँ खाना भी खाना था, खाना हम लोग घर से बना के लाए थे लेकिन अब खाना गाड़ी में बैठ कर ही खाएंगे क्योंकि तेज बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। राम रे, फोन को अंदर रख लो। प्रसाद बाट को
तो गाइज हम लोग खा रहे हैं गाड़ी में खाना क्योंकि बाहर आ चुकी है बहुत तेज बारिश, ये देख सकते हैं आप। मम्मी कह रहे हैं पहली बार बारिश आई है, इतने साल से आ रहे हैं हम लोग अहूत बाबा के यहाँ पे। ये भी याद ही रहेगा कि बाबू को ढुकाने आए थे पहली बार जब बारिश आई थी। बिजली खड़की पेड़ के नीचे मेरे तो पूरे कपड़े ऐसे गंदे हो गए इधर से। नव्या बढ़िया जगह बैठी है ना नव्या? बिजली भयंकर कड़क रही है भाई साहब। अब तो घर चल रहे हैं। अभी आते टाइम तो हम लोगों ने रूट पूछ लिया किसी से, तो हम सही रूट पे आए बिल्कुल। जाते टाइम आते टाइम फंस गए थे। मैं निकला और गाड़ी लेके रास्ते पर उस वक्त में जब मोर आया तो देखो मैंने जोर आया यहाँ पे मोर आया। इसने इसकी तरफ से बनाया। तो अभी हम आए भैरव बाबा के भोग लगाने के लिए। टीका ही लगा दिया। हाय राम गालों पे लगा दी उसके। कलुआ हो गया, कलुआ है। तो वैसे हम लोग अभी आए हैं बाबू के टीका लगवाने के लिए क्योंकि इसका टीका 12 फरवरी को लगना था। स्टार्टिंग से इसके टीके हैं ना जो सारे डिले चलते हुए आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग का जो 2.5 महीने का टीका था वो भी 1.5 महीने का वो भी डिले हो गया था, तो उसके हिसाब से 2.5 महीने का भी लेट लगना था 12 फरवरी को। क्योंकि शादी की भागदौड़ में सब में हम लोग भूल गए और आज कम से कम अब ये 3.5 महीने का तो हो ही गया। उसके बाद में अब टीका लग रहा है इसके 2.5 महीने वाला वैक्सीनेशन, तो हम आए इसके वैक्सीनेशन करवाने। कर दी एंट्री तो, और हमेशा टीका जब भी लगवाते तब यही लेके बैठते हैं क्योंकि ये रोता है ना तो मुझे देखा नहीं जाता, मुझे बड़ा दुख होता है। सो गया वो। पी लो मीठी मीठी है। हाय राम, अब की तो बहुत ही ज्यादा रोया है, जान ही नहीं छोरे के बोल ही निकल गया।